तो हमारा चुनावी प्रोग्राम चालू हो चुका है जिसका नाम है सत्ता तेरे प्यार में जनता गई चूल्हे भाड़ में। तो यहाँ पे मंच पे एक तरफ आलू है और दूसरी तरफ बैगन, तीसरे उम्मीदवार आए नहीं है और हमारे सामने बैठी हुई जनता। तो सबसे पहले हम जनता के पास चलते हैं और पूछते हैं इस चुनाव में उनके लिए क्या मुद्दा है। तो आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा तो दारू है। मतलब आप चाहती है दारू पे बैन लगे? अरे नहीं, हम तो ये कहत रहे कि अभी तक कोनो घर पे दारू की बोतल नहीं पहुँचाए हैं। एक बार कोनो दारू की बोतल घर पे पहुँचा दे तो फिर देखब के और देवे के हो। मतलब आप दारू की बोतल लेके वोट देंगी? अरे नहीं, दारू तो हमारे पति के लिए हो, हम तो पैसा लेके वोट दे। बहुत अच्छे हैं। मतलब आपको उम्मीदवार से कोई मतलब नहीं, जो आपको दारू देगा पैसा देगा आप उसको वोट देंगी। तो इसमें बुराई का हो? मतलब आपको इसमें कोई बुराई नहीं लगती? नहीं, हमके तो कोनो बुराई नहीं लागत। और जो आपके पति दारू पीते हैं उसमें भी आपको कोई बुराई नहीं लगती? पहले हमऊ के लागत रहा कि दारू पी अब बुरी बात हो, लेकिन जब हमके पता चलल कि दारू पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हो तो हमके अपने पति की महानता समझ में आई कि कैसे हमारे पति अपन लीवर और किडनी को दांव पर लगाकर देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा करत है। माते, आपने तो आंखें खोल दी हमारी। हम तो आज तक मूर्ख थे, महामूर्ख थे, हमको तो कुछ पता ही नहीं था। परम ज्ञान देने के लिए आपका बहुत आभार। थैंक यू जी। आप कुछ बताइए टिंगू महाराज। क्या बताएं? उम्मीदवार से कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं पूछना चाहते। महाराज, प्रभु, क्या मैं कारण जान सकता हूँ? हम सुरती खाए बेकार में थोपना पड़ेगा, बड़ी महंगी हो गई है सुरती। बहुत बढ़िया, गजब। तीन उम्मीदवार खड़े हैं चुनाव में लेकिन आपको किसी से कुछ पूछना ही नहीं। लेकिन यहाँ पे तो दो ही उम्मीदवार खड़े हैं। अरे यहाँ दो उम्मीदवार खड़े हैं लेकिन चुनाव में तो तीन उम्मीदवार हैं। तो तीसरा कहाँ है? अरे यार, हम तीनों उम्मीदवार को बुला के लाए थे, तीसरा नहीं आए तो अब हम उसको घर से उठा के लाए क्या? जो खड़े हैं उनसे जो पूछना हो पूछो। पूछ ले। पूछिए मान्यवर, आपका बहुत एहसान होगा। हमको ये पूछना है कि कॉमेडी पर सेकंड वाले भैया जी वीडियो कैसे बनाते हैं? मतलब मूर्खता की पराकाष्ठा हो गई, चुनाव खोपड़ी पे हो, तुमको इस बात की चिंता है कि कॉमेडी पर सेकंड वाले भैया जी वीडियो कैसे बनाते हैं? अरे इनको पता ही नहीं है कैसे बनता है, इसलिए तो इतना गर्मा रहे हैं। तुमको पता है क्या? और क्या, कॉमेडी पर सेकंड वाले भैया जी का एजुकेशनल चैनल है सिंक स्किल्स नाम से। वहाँ पे जाके तुम भी कॉमेडी पर सेकंड जैसी वीडियो बनाना सीख सकते हो और साथ ही इस चैनल पे तुम्हें फिल्म मेकिंग, एडिटिंग, एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके अभी सब्सक्राइब कर लो। प्रचार हो गया हो तो हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। बढ़ाओ, बिल्कुल बढ़ाओ, हम रोक रखे हैं क्या तुम्हारे कार्यक्रम को? क्या बताएं, जनता को तो कोनो इंटरेस्ट ही नहीं है चुनाव में। आलू जी, आप बताइए, आपकी सरकार बनेगी तो आप क्या करेंगे? हम जमीन के नीचे दबी कुचली सब्जियों को उनका अधिकार दिलाएंगे। ये बैगन जैसे लोग जो सिर पे ताज लेके पैदा होते हैं, ये सत्ता को अपनी जागीर समझते हैं। इनको लगता है कि इनके सिर पे ताज है, इसलिए इन्हें सत्ता में रहने का अधिकार है। अगर हम इस चुनाव में जीत के आएंगे तो जमीन के नीचे पैदा होने वाली हर सब्जी के सिर पे ताज पहनाएंगे, उनको बराबरी का हक देंगे। जमीन के नीचे पैदा होने वाली कोई भी सब्जी अब गरीबों की सब्जी नहीं कहलाएगी। बैगन जी, आपकी प्रतिक्रिया? ये जमीन के नीचे रहने वाले लोग हमेशा अपनी गरीबी का रोना रोते रहते हैं, इनको लगता है सारे दुख यही झेलते हैं, और हम जैसे जमीन के ऊपर रहने वाले लोगों को कोई दुखी नहीं है। हमारा दुख सुनेंगे आप लोग तो आपका कलेजा फट जाएगा। हमको धूप भी सहनी पड़ती है, बारिश भी सहनी पड़ती है, ठंड भी सहनी पड़ती है, और खेत में कोई सांड घुसाए तो उसकी पहली नजर भी हम ही पे पड़ती है। हमको जितना कष्ट है ये हम ही जानते हैं। ये जमीन के नीचे रहने वाले लोग क्या जाने जमीन के ऊपर रहने वाले लोगों का कष्ट। अगर इस चुनाव में हम जीतेंगे तो जमीन के ऊपर रहने वाली सभी सब्जियों के लिए ठंड में कंबल बंटवाएंगे और गर्मी और बारिश में छाता बंटवाएंगे और उनके कष्टों को दूर करेंगे। अरे ये क्या कष्ट दूर करेंगे, ये तो लोगों के पेट में बदहजमी कर देने वाले लोग हैं। ये तो हम आलू लोग हैं जो इनके साथ थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं तो दुनिया में किसी सब्जी के साथ इनकी बनती नहीं है। कभी सुना है कि बैगन की तरोई के साथ बनी हो, कभी सुना है कि बैगन की लौकी के साथ बनी हो, कभी सुना है कि बैगन की भिंडी के साथ बनी हो। ये तो हम आलू लोग हैं जो इनके साथ भी मेल मिलाप के साथ रहते हैं और बाकी दूसरी सब्जियों के साथ भी मेल मिलाप के साथ रहते हैं। मेल मिलाप के साथ रहते हैं या मुंह मारते फिरते हैं, बिन बुलाए मेहमान की तरह हर जगह घुसने की आदत पड़ी हुई है इन लोगों की। हमारी घुसने की आदत नहीं पड़ी है, तुम्हारी झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। झूठ बोलने वालों के मुँह में कीड़े पड़े, हम काहे को झूठ बोले।
देखा सच्चाई जुबान पे आ गई। कीड़े किसमें पड़ते हैं दोस्तों? कीड़े पड़ते हैं बैगन में। कभी आपने सुना है कि आलू में कीड़े पड़े? कभी नहीं सुना होगा। और जिस बैगन में कीड़े पड़ते हैं आप जानते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं काना बैगन। क्या बोलते हैं? काना बैगन। अरे हमारे अंदर तो कीड़े पड़ते हैं लेकिन तुम्हारे ऊपर तो लोग हग के चले जाते हैं। और जिस आलू पे लोग हगते हैं उस आलू को जानते हो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हग का लालू। देखिए यहाँ पे आप शब्दों का प्रयोग ना करिए, फैमिली शो है। अरे ये आप शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम क्या खामोश बैठेंगे? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहस बहुत गर्मा गर्म हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं जनता के बीच में और कुछ प्रश्न जनता से लेते हैं। अरे भैया जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, हम तो ये कह रहे थे पगल वाले चचा से पूछो। अरे पगलाए हो का, हमसे काहे पूछे? तुम बुलाए हो तुम पूछो। अरे मोहल्ले में तो बहुत राय बहादुर बने घूमते हो, अब यहाँ कुछ बोला नहीं जा रहा। लड़ लो तुम लोग आपस में लड़ लो। इधर नेता लड़े पड़े, इधर तुम लोग लड़े पड़े हो। किसी को कोनो प्रश्न तो पूछना ही नहीं है। हमको पूछना है प्रश्न। हाँ तो पूछिए ना। हमारा प्रश्न आलू और बैगन आप दोनों से है, अगर हमने आपको वोट दिया तो आप हमारे लिए क्या करेंगे? हम आपके लिए खेत में नल लगवाएंगे, हम आपके लिए अच्छी वाली खाद डलवाएंगे, हम आपको कीड़ों से बचाएंगे। अरे आप हमें जिताइए, हम आपको बैगन के पकौड़े और बैगन की कलौंजी खिलाएंगे। अरे ये कीड़े वाले बैगन का पकौड़ा खिला देगा आपको। आप हमें जिताइए, हम आपको आलू टिक्की, फ्रेंच फ्राई, चाट, चिप्स, आलू दम, आलू पेटीज, बटाटा बड़ा सब खिलाएंगे। अरे ये हग्गल आलू से बने आइटम खिलाएगा चुट्टा साला। आप दोनों इतना लड़ते झगड़ते क्यों हैं? ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप आपन झगड़ना बंद कर दें और एक साथ मिलकर देश के विकास में योगदान दें? हम नहीं झगड़ते, झगड़ता तो ये कानिया है। चुप हग्गल। मैं अपना वोट उसी को दूंगी जो प्रेम और भाईचारे से रहेगा। हम भी उसी को देंगे। हम भी हाँ हम सब मिलकर उसी को वोट करेंगे जो मिलजुल के रहेगा। अरे हम प्रेम और भाईचारे के साथ ही रहते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप अपना वोट हमें दीजिएगा। अरे हम भी प्रेम और भाईचारे के साथ ही रहते हैं, आप अपना वोट हमें दीजिएगा। हम कैसे जाने कि आप प्रेम और भाईचारे के साथ मिलजुल के रहते हैं? अरे हम तो अंदर से मिलके ही रहते हैं, वो तो बाहर से दिखाने के लिए थोड़ा बहुत झगड़ना पड़ता है। हाँ हम दोनों बहुत मिलजुल के रहते हैं, अभी सोबे आने से पहले हम लोग साथ में बैठ के ही दारू पी रहे थे। मैं नहीं मानती कि आप दोनों मिलकर रहते हैं, अगर आप वाकई में मिलकर रहते हैं तो आपस में गले मिलकर दिखाइए। अरे अभी मिलते हैं गले, लेकिन आप अपना वोट हमें दीजिएगा। अरे नहीं, आप हमें दीजिएगा, हम ज्यादा अच्छे से गले मिलकर दिखाएंगे। आओ आलू भाई, आओ बैगन भाई, गले लग जाओ। हाय दैया, ई का भवा। लगता है आलू और बैगन मिलके भरता बन गया। ब्रेकिंग न्यूज, अभी आलू बैगन आपस में मिलके भरता बन गए। जी हाँ, आप स्टूडियो से लाइव देख सकते हैं कि आलू और बैगन आपस में मिलके भरता बन गए। ये कैसे हुई गोवा? जब सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलता है तो ऐसे ही भरता बन जाता है। अब हम वोट किसको करेंगे? आप लोग मुझको वोट करिएगा। लेकिन आप हैं कौन? मैं हूँ तीसरी उम्मीदवार और आलू बैगन का भरता बन जाने के बाद अब एक मात्र उम्मीदवार। आप सभी से अनुरोध है कि मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं, और नहीं भी विजयी बनाएंगे तो भी जितना मुझे ही है, क्योंकि अब मैं ही एक मात्र उम्मीदवार हूँ।